सच में सबके हृदय में विराजित हैं। बहुत रसीलो है मेरा राधा रमण, सच में बहुत प्यारो है। बहुत अच्छा लग रहा है दर्शन कराने के लिए, हमको बहुत अच्छे से दर्शन हुए। राधे राधे। वास्तव में आज जो राधा रमण जी का प्राकट्य उत्सव है, इसको देखने के लिए मैं विशेष वृंदावन आया हूँ। और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन ही श्री गोपाल भट्ट जी के विरह आतुर स्वर में क्या होकर उन्होंने कातर होकर भगवान को पुकारा और शालिग्राम शिला को फाड़ करके श्री त्रिभंग मुरारी श्री राधा रमण लाल जी का प्राकट्य हुआ। द्वादशांगुल श्री राधा रमण जी इतने प्यारे हैं जिनको देख करके किसी व्यक्ति का मनुष्य सर्वसाधारण ही आकृष्ट हो जाएगा। हमारे राधा रमण जी के जो नयन है वो सरसिज हैं और जिनका बदन है वो शशिवदन है, ऐसे राधा रमण लाल जी का आज हम दर्शन कर रहे हैं। बहुत सौभाग्य है। जय गौर श्री राधा रमणो विजयते। हम लोगों को दर्शन बहुत ही अच्छे हुए, थोड़े टाइम बाद हुए, लेकिन लाल जी के दर्शन करके बहुत आनंद आया, बहुत 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 आनंद आया। और बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। लालन की सुन के मैं आई, जय सोदा मैया दे दो बधाई। यहाँ पर पैसे बांटते हुए राधा रमण लाल जी को बधाइयां देते हुए बोलो राधा रमण हरि वो, मेरो राधा रमण हरि वो। ये देखें, ये है राधा रमण जी का प्रवेश द्वार और यहीं से जो श्रद्धालु जन हैं वो जा रहे हैं, अंदर एंटर हो रहे हैं। और यहाँ पर अनेकों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है अपने आराध्य श्री ठाकुर राधा रमण लाल जी के दर्शनों। राधा रमण जी के मंदिर के बाहर ही यहाँ पर भक्त इतना आनंद आज इस वृंदावन की पावन भूमि से ले रहे हैं जिसका कोई। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय। आज 482वें राधा रमण जन्म महोत्सव पर हम आए हैं राधा रमण जी के मंदिर में और अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पर प्रारंभ होने वाला है महाअभिषेक। और इस अभिषेक के जिस व्यक्ति ने दर्शन कर लिए मानो साक्षात उसे परम ब्रह्म के दर्शन हो गए, क्योंकि यही राधा रमण जी बिहारी लाल हमारे ब्रज क्षेत्र में ऐसे देव हैं जो सबसे छोटे और इतना छोटा स्वरूप है उनका के इतना सा बहुत ही ज़्यादा छोटा, और यही हमारे ब्रज से कभी भी बाहर नहीं गए। जब मुस्लिम आक्रांताओं का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हुआ तब सभी देवताओं को यहाँ ब्रज में से बाहर ले जाया गया, लेकिन ठाकुर राधा रमण लाल जी यहाँ से बाहर नहीं गए और अभी कुछ ही देर में यहाँ पर दर्शन खुलने वाले हैं। आपको कराते हैं भव्य दर्शन। भक्तों का सैलाब यहाँ से आ गया है, गेट खुल गया है। ये देखें यहाँ से भक्त आ रहे हैं, अब प्रारंभ हो गए हैं और यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है अभी अभिषेक, महाअभिषेक के दर्शन आप करेंगे। ये कुछ ही देर में पूरा मंदिर प्रांगण की व्यवस्था ऐसी की गई है, बाहर से जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं भक्तगण आ रहे हैं वो यहाँ से एंट्री कर रहे हैं और इधर दर्शन करते हुए इन रेलिंगों में घूमते हुए बाहर निकल जाएंगे दर्शन करते हुए। तो अभी प्रारंभ हो गया है महाअभिषेक। जय हो राधा रमण लाल की जय। जय हो राधा रमण लाल की जय। जय हो, जय जय श्री राधे बिहारी लाल की जय। और ये देखे भक्त कितने यहाँ पर अपने आराध्य राधा रमण लाल के दर्शनों के लिए आतुर हो रहे हैं और दौड़ते हुए भाग रहे हैं दर्शनों के लिए। कोई बांसुरी लेके भाग रहा है, कोई कैसे भी भाग रहा है। और ये बहुत ही भव्य आनंद रस आज ठाकुर राधा रमण लाल जी के दर्शन आज बाहर निकाले गए हैं गर्भगृह से और सभी भक्तों को बड़े ही मनभावन दर्शन दे रहे हैं। जय हो राधा रमण लाल की जय। 482वें जन्म महोत्सव की
आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। ठाकुर पुंडरीक महाराज गोस्वामी जी पूरे विश्व के विख्यात भागवत प्रवक्ता हैं और आज उन्हीं के हाथों से बहुत ही भव्य ये महाभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। ये देखिए आप, यहाँ पर आप देखेंगे भक्तों का जो सैलाब है वो कितना उमड़ा हुआ है। अनेकों भक्त यहाँ पर राधा रमन लाल जी की एक झलक पाने के लिए आतुर हो रहे हैं और बहुत ही भव्य दर्शन भी कर रहे हैं। और इनकी जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी कर रखी है, एक तरफ से आ रहे हैं और एक तरफ से जा रहे हैं, क्योंकि मंदिर बहुत ही ज़्यादा छोटा है और इस छोटे से मंदिर में इतने श्रद्धालुओं पर काबू पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है मंदिर प्रशासन की वो बहुत ही अच्छी कर रखी है। भक्तों को ज़्यादा देर तक रुकने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि पीछे बहुत ही ज़्यादा भक्त लाइन में लगे हुए हैं और उनका सैलाब भी उमड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से इस गेट से बाहर निकल रहे हैं श्रद्धालु और बहुत ही भव्य आनंद इस महाअभिषेक का ले रहे हैं। यहाँ पर आप कर रहे हैं महाअभिषेक के दर्शन। ठाकुर राधा रमण लाल जी के बहुत ही भव्य दर्शन। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण। और ये आप कर रहे हैं इस महाअभिषेक के दर्शन। ठाकुर पुंडरीक जी महाराज करा रहे हैं राधा रमण लाल जी को अभिषेक। उनके जन्म दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इन दर्शनों को शेयर करके उनको भी लाभ प्राप्त करवाएं। जय हो राधा रमण लाल की जय। ये प्रारंभ हो गया है यहाँ पर। जय हो राधा रमण लाल की जय। तो कुछ देर में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप यहाँ की मंदिर की घड़ी घंटियाल और इसका आनंद जरूर लें।
कहना चाहेंगी आज के उत्सव पर? सोचा ही नहीं था तभी लालजू बुला लेंगे, बट इतना बढ़िया अभिषेक देखने को मिला, लग नहीं रहा था मिलेगा। बहुत सुंदर लग रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ अंग्रेज भी आए हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको आज? मैं बता नहीं सकता वास्तव में, भक्त यहाँ पर प्रसन्न हो रहे हैं राधा रमण लाल जी के दर्शनों के लिए। बहुत आनंद आ रहा है प्रभु की आरती देखते हुए। मैं पन्ना जिले से आया हूँ, मध्य प्रदेश से, और बहुत अति उत्तम लग रहा है, जैसे ब्रजराज यहीं पे बसे हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ की जो व्यवस्था है वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिससे श्रद्धालुओं को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको प्रारंभ में दिखाया था, ठाकुर राधा रमण लाल जी के दर्शनों के लिए सुबह 5 बजे से ही श्रद्धालु जन यहाँ पर खड़े हो गए इस द्वार पर और उनके भव्य दर्शन किए। आप यहाँ पर देख रहे हैं अनेकों अनेक श्रद्धालु आ रहे हैं और दर्शनों का लाभ ले रहे हैं, महाअभिषेक का आनंद ले रहे हैं। एक बार पुनः मैं आपको कराऊं दर्शन महाअभिषेक के। बोल राधा रमण हरि बोल, मेरो राधा रमण हरि बोल। बहुत ही आनंदमय आज आप यहाँ जो दर्शनों का लाभ ले रहे हैं, इस अभिषेक का लाभ ले रहे हैं, ये संपूर्ण प्रिय दर्शन चैनल आज आपको करा रहा है, क्योंकि ये ठाकुर राधा रमण लाल जी ऐसे देव हैं जो सभी भक्तों की मनोकामनाओं को भी पूर्ण करते हैं, और यहाँ पर आके जो आनंद रस मिलता है वो बहुत ही भव्य और आनंदमय यहाँ पर भक्तजनों को मिलता है। यहाँ पर बच्चों को पीठ पर ले जाते हुए भक्तजन कर रहे हैं दर्शन ठाकुर जी के, बहुत ही आनंदमय। और यहाँ आगे बढ़ाया जा रहा है, श्रद्धालुओं को कर रहे हैं दर्शन।
लगकर राधा रमण जी के श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, अब यहाँ पर आनंद ले रहे हैं ठंडे शरबत का, क्योंकि ब्रज में जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए कोई न कोई व्यक्ति सेवा करने के लिए कहीं न कहीं से ठाकुर जी उनके लिए बंदोबस्त कर देते हैं और उनके लिए अद्भुत आनंद प्राप्त होता रहता है। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं श्रद्धालु जन दर्शन करके आ रहे हैं और यहाँ पर ठंडे पानी का शरबत इन श्रद्धालुओं को पिलाया जा रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत है इस बार ब्रज में, 48 के आसपास टेम्परेचर रहता है और यहाँ पानी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत श्रद्धालुओं को रहती है। और इधर से जो श्रद्धालु जन हैं वो निकल के जा रहे हैं और दूसरी तरफ से आ रहे हैं, जो अभी दर्शन करके आए हैं जानते हैं कैसे उन्होंने दर्शन किए और कैसा उनको आज प्रतीत। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। हम भी पहली बार इस महोत्सव का आनंद लेने आए हैं और हम लोगों को दर्शन बहुत ही अच्छे हुए हैं, थोड़े टाइम बाद हुए लेकिन लाल जी के दर्शन करके बहुत आनंद आया, बहुत 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 आनंद आया। और आप सब भी इनके साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही श्री राधा रमन जी के दर्शन करते रहिए और प्रेम से बोलिए राधे राधे। आप अपने ठाकुर जी को साथ में दर्शन कराने के लिए लाइए, कैसा महसूस हो रहा है आज? अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है दर्शन कराने के लिए, हमको बहुत अच्छे से दर्शन हुए, राधे राधे। मंदिर में जो भक्त आ रहे हैं उनके लिए कैसी व्यवस्था है रुकने के लिए, दर्शन अच्छे से हो रहे हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है राधे। भक्त यहाँ पर खूब प्रसन्न है, खूब अच्छे दर्शन उनको हो रहे हैं और कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं हो रही है। तो बढ़ते हैं और आगे की तरफ। राधा रमण लाल की जय। आप यहाँ पर देखेंगे अनेकों भक्त यहाँ पर अभी ठाकुर जी के दर्शनों के लिए आतुर हो रहे हैं और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं राधा रमण लाल जी के जन्म महोत्सव की बधाइयाँ देने के लिए। बड़े ही सुंदर भाव से यहाँ पर भक्त नाच रहे हैं, गा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। राधा रमन की जय, राधा रमन लाल की जय। कितना भव्य आनंद रस आज। कैसा भव्य आनंद रस आज इस वृंदावन की पावन भूमि पर बरस रहा है, कैसा आनंद यहाँ पर ले रहे हैं भक्तजन राधा रमण लाल जी के जन्म महोत्सव में। कोई आप जो है शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, इस आनंद रस को केवल वही भक्त प्राप्त करता है जो यहाँ आता है, इस ब्रज की रज की भूमि में मिलता है। और आज ठाकुर जी के जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं और दर्शनों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जय राधा रमण लाल। राधा रमण जी के दर्शन कराने जा रहे हैं, राजा जी से राधा रमण जी के दर्शन कराने जा रहे हैं। देखें आप, ये कान्हा जी हैं, इनको दर्शन कराने के लिए लेके जा रहे हैं राधा रमण लाल जी के जन्म महोत्सव पर। यहाँ पर भजन कीर्तन करते हुए श्रद्धालु पूरा आनंद रस आज ले रहे हैं। जो 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 राधा रमण लाल की जय। यहाँ पर आप देखें गर्मी इतनी ज़्यादा है, इन श्रद्धालुओं के लिए बर्फ का शरबत, बेल का शरबत। राधे राधे। आज हमारे राधा रमण लाल जी का प्रागट्य उत्सव है, आज हमारे राधा रमण जी को अभिषेक किया जा रहा है और प्रसाद वितरण हो रहा है, जो कि स्वयं भू है हमारे राधा रमण जी। कचौड़ी, बेल का शरबत, रू अफ़ज़ा, ठाकुर जी कृपा से सब भक्त लोग आनंद ले रहे हैं। जय जय श्री राधेश। बेल का शरबत श्रद्धालुओं के लिए रखा गया है और भव्य आनंद, प्रसन्न हो रहे हैं खूब।
अभी यहाँ पर कुछ श्रद्धालु दर्शन करके आए जानते हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है श्री राधा रमण जी के दर्शन करके, आज भाग्य धन्य हो गया पहली बार आने के जन्मोत्सव में। लाला को बहुत बहुत बधाई हो हमारी सबकी तरफ से। और ये वृंदावन धाम सच में ठाकुर का धाम है, सच में मेरे ठाकुर आज भी यहाँ है जो दर्शन देते हैं सबको और अनुभव कराते हैं कि हमारे ठाकुर सच में सबके हृदय में विराजित हैं। बहुत तसीलो है मेरा राधा रमण, सच में बहुत प्यारो है। यहाँ पर भक्तों का कितना ज्यादा सैलाब है और इसमें आनंद रस खूब ले रहे हैं भक्तजन और यहाँ पर प्रसाद बांट रहे हैं। ये देखें आप, यहाँ पर पूरी सब्जी हलवा, पूरी और हलवा का प्रसाद बांटते हुए खुशियाँ बांट रहे हैं ठाकुर जी के जन्म महोत्सव में। ये देखें भक्तों के लिए लाया जा रहा है, बहुत ही आज इस और ये देखें यहाँ पर खूब नाचती हुई गाती हुई आगे की तरफ बढ़ रही है दर्शनों के लिए। वल्लभ लाल की जय। आज आज हमारे राजा रमण लाल जी का प्रकट उत्सव है, आज बहुत आनंद आ रहा है, चारों तरफ सहनाई ढोलक मंदिरा बाज रहे हैं, सभी लोग आनंद से मगन है, सभी लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, जगह जगह गाना नाच हो रहा है। आज बहुत ही प्यारा उत्सव है, बहुत ही आनंद आ रहा है। ठाकुर जी का जो जन्म उत्सव है हम पहली बार देखे, श्री पंचामृत से स्नान देखा। ये मेरी छोटी सी 5 वर्ष की लाली है जो आई है, इसने भी दर्शन पाए है। राजा राधे बोल सबको, राधा रमण लाल की जय। हिम्मत नहीं आ रही और दर्शन किए हैं। बधाई हो राधा रमण लाल के जन्मोत्सव की, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। लालन की सुन के मैं आई, जय सोदा मैया दे दो बधाई। लालन की सुन के मैं आई, जय सोदा दे दो बधाई। बहनी ना लूंगी मैया नथुनी ना लूंगी, बहनी ना गंगिया की दे दो गढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। और यहाँ पर देखो ठाकुर जी की सहनाई के लिए कैसे कैसे यहाँ पर सपेरे भी आ चुके हैं और वो भी खूब बधाइयाँ ठाकुर जी को दे रहे हैं यहाँ। जाओ जाओ ठाकुर जी को बधाई देते हुए, गर्मी हो रही है लेकिन इनका उत्साह कम नहीं हो रहा है, खूब ज्यादा आनंद। और ये पैसों की यहाँ पर जो है भंडारा कर रहे हैं और खूब प्रसन्न हो रहे हैं, खूब आनंद रस ले रहे हैं। ये देखे कितना आनंद आज ठाकुर जी के जन्म महोत्सव पर बरस रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भक्तों का जो सैलाब है वो कितना अत्यधिक ज़्यादा है और इस अत्यधिक ज़्यादा दबाव में भी भक्त दर्शनों के लिए जा रहे हैं ठाकुर राधा रमण लाल जी के दर्शनों के लिए। और गर्मी इतनी ज़्यादा है आज इस ब्रज में जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं पसीने रुक नहीं रहे हैं। और राधा रमण लाल जी अपने दर्शन बहुत ही मुश्किल से दे रहे हैं आज। और ये आप देख रहे हैं आज राधा रमण लाल जी के दर्शनों के लिए लाखों श्रद्धालु आ चुके हैं और दर्शन कर रहे हैं। आज आपने जिस आनंद रस को प्राप्त किया है इस राधा रमण मंदिर में उसे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही अद्भुत दर्शन करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को तुरंत की तुरंत दबा लें जिससे आपको आने वाले सभी दर्शनों की जानकारी तुरंत की तुरंत मिल सके। राधे राधे बांके बिहारी लाल की जय। और राधा रमण लाल की एक बार पुनः बधाई देते हुए राधे राधे।